अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 29 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आप एरे कमांड कैसे यूज़ करते हैं, एरे कमांड का मकसद क्या होता है और एरे कमांड्स की कौन कौन सी टाइप है, और रेक्टेंगुलर एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसकी एक टाइप है रेक्टेंगुलर एरे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो एरे कमांड की बेसिकली टाइप्स तीन है, रेक्टेंगुलर एरे है, पोलर एरे है एंड पाथ एरे है, तीन टाइप्स हैं। लेकिन आज हम रेक्टेंगुलर एरे पे डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह पोलर और पाथ पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो एरे कमांड का फंक्शन क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब एरे कमांड का जो फंक्शन है वो ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक यूनिट पहले सेट करता हूँ, यू एन इंटर। ओके, यूनिट सेट है मेरी, यू सी एस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में ले जाता हूँ, यू सी एंटर, डिस्प्ले टू ओरिजिन पॉइंट। ओके ओके, अब मैंने जो काम करना है वो ये है कि मैं एरे के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ उसे 3 फिट कामा 3 फिट का एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया मैंने। ओके okay. जेड स्पेस ए स्पेस कर दिया मैंने। अब ये जो इस पे मैं एरे कमांड अप्लाई करूंगा, तो एरे कमांड आप यहाँ पे देखें तो मॉडिफाई में आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको देखें यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे, पोरे एरे और पाथ एरे एंड पोलर एरे आपको यहाँ पे नजर आ रही है कमांड। इसके अलावा आप मॉडिफाई में जाएंगे तो मॉडिफाई में आपको यहाँ पे नजर आएगा जी एरे, एरे के अंदर है जी रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है ए आर एंटर। आप ए आर एंटर करें, ए आर एंटर करता हूँ मैं। अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप चूज करें, मैं रेक्टेंगुलर एरे बेसिकली चूज कर रहा हूँ, तो रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास रेक्टेंगुलर एरे यहाँ पे आ गया। अब इस रेक्टेंगुलर एरे के बीच में यहाँ ये जो कॉलम, इसके फोर एंड आप गिन सकते हैं, देखें 1 2 3 4 कॉलम है, रो इसकी 3 है, देखें 1 2 एंड 3 रो इसकी, और जो साइज है इनका कितना है वो साइज हम देखते हैं। तो साइज के लिए मैं यहाँ पे आपको फाइल में जाता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको साइज देना चाहूँगा। तो साइज के लिए आपको यहाँ से लीनियर है या फिर आप अलाइन, जो भी आप यहाँ से लेते हैं, तो मैं यहाँ से लीनियर लेता हूँ और मैं यहाँ से यहाँ पे आपको एक तो साइज करके बताता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ओके, और यहाँ से टोटल में इसका साइज भी देखता हूँ, यहाँ तक, और ये भी टोटल साइज में देखता हूँ इसका। ओके, अब इसकी डायमेंशन पहले सेट करूंगा, डी एंटर, ताकि आपको देख बताऊं कि एरे में इसकी डायमेंशन से सही दी हुई कि नहीं। डी एंटर करें डायमेंशन के लिए मॉडिफाई, और प्राइमरी में जो इंजीनियरिंग मैंने यूज़ की हुई है और 0 फुट 0 इंच। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। अब यहाँ पे मैं इसे करता हूँ जी डायमेंशन के लिए। अब देखें इसका साइज़ अब बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो इसका साइज़ अब बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, डिम स्केल एक कमांड होती है, DIM, और SCALE डायमेंशन के लिए साइज़ बढ़ाने के लिए डिम स्केल कमांड यूज़ करता हूँ, और कह रहा है एंटर न्यू साइज, साइज़ में इसको देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 1 फीट एंटर। अब इसको अपडेट करना है, साइज को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे शो में जाएं और यहाँ पे डायमेंशन के लिए जो यूज़ होता है उसे कहते हैं आप डायमेंशन के लिए एनवेट्स, ये लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें तो बस यहाँ पे एक एनवेट्स आ जाएगा, और यहाँ से आप इसको अपडेट करें डायमेंशन को, अपडेट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें। ओके, अब यहाँ पे आप देखते हैं हम डायमेंशन,
ओके अब यहाँ पे कॉलम जो है ये 4 है, और कॉलम के बीच का जो साइज है वो देखें कितना है, 4.6, और यहाँ पे देखें कॉलम के बीच का साइज कितना है, 4.6। टोटल जो साइज है वो है, इसका टोटल जो साइज है वो है 13.6 है, तो आप यहाँ से देखें ज़रा 12 है, लेकिन मैंने यहाँ से यहाँ तक से चूज़ किया, यहाँ से ये 13 पॉइंट, ये इस कॉर्नर से यहाँ तक आपने चूज़ करना है। देखिए मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ तक तो 13.6 आप देख सकते हैं साइज इसका, ये देखें कितना है जी, 13.6 है। और नीचे वाला जो साइज है इसको भी आपने चेंज करना है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इसका साइज टोटल देखना है हमने, तो इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आप यहाँ से ओके, आप देखिए इसका साइज तो 9 है, तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट साइज और एक्यूरेट हमारे पास डायमेंशन की आ रही है। तो ये जो सॉरी रेक्टेंगुलर एरे का फंक्शन है। ओके अब इस रेक्टेंगुलर एरे में आपने अगर इसे साइज बढ़ाना है, काम काम साइज कम करना है, ज्यादा करना है, तो आप यहां से कर सकते हैं। उसका क्या तरीका कार है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉलम 4 है, कॉलम आप बढ़ाना चाहें, 5 करना चाहें, 5 कर दें। देखिए कॉलम 5 हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और आपका साइज भी वही रहेगा सारा, तो आप यहाँ से हर एक को अलग अलग से करके आप साइज भी देख सकते हैं। मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, ओके अब यहाँ पे मैं इसे देखता हूँ जी, अब इसको मैं एरे करता हूँ, ए आर एंटर, इस पर काम करता हूँ थोड़ा, सिलेक्ट स्पेस प्रेस करता हूँ, रेक्टेंगुलर एरे। अब एरे यहाँ पे आ गए, और 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, बिटवीन साइज है, और साइज आप यहाँ से बढ़ाना चाहें, 3.9 है, मैं इसे 5 करता हूँ, देखिएगा इसमें साइज बढ़ जाएगा, देखिए साइज का चेंज हो गया, 5 फिट के फासले पे आ गए। टोटल जो साइज है 15 आ गया, क्योंकि ये हमारे पास 15 आ गया, और रो इसकी 3 है, तो रो बढ़ाना चाहे आप, रो 5 करना चाहे, 4 करना चाहे, 4 में रो करता हूँ, रो भी 4 हो जाएंगी। जेड स्पेस स्पेस करता हूँ, तो देखिए आप जरा रो भी सी कितनी होगी, 4 होगी, क्लिक करें इस पर तो दोबारा से आ जाएगा। ओके रो के बिटवीन बिटवीन जो साइज है, यहाँ पे जो साइज है इसको बढ़ाना चाहे, इसको मैं करता हूँ 5 करता हूँ, देखिएगा रो के बीच में साइज जो है बढ़ जाएगा, ये जो साइज है ये जरा साइज बढ़ जाएगा, 5 करता हूँ, 5 फिट करता हूँ, देखिए साइज बढ़ गया, टोटल 15 आ गया है। लेवल 1 है, लेवल आप बढ़ाना चाहें, क्योंकि 3D के लिए यूज़ होता है लेवल, लेवल 3D के लिए किस तरह यूज़ होता है, मैं टॉप पे यहाँ पे जाता हूँ और इसे स्विच आइसोमेट्रिक भी लेके आता हूँ। अब ये अब इसके लेवल अगर आपने बढ़ाने हैं, देखिएगा सेलेक्ट करते हैं उसको, लेवल बढ़ाने हैं, लेवल में करता हूँ 3, देखें 3 लेवल आ गए इसमें, अगर आप यहाँ से मूव करके देखें 3, बिटवीन साइज को बढ़ाता हूँ मैं 10 फुट करता हूँ, अभी आप देखें जरा आपको सही नज़र आएगा, तो देखें 3 लेवल हैं और तीनों का साइज भी देखें 3 फीट अबव हो गया, देख सकते हैं, और टोटल जो साइज़ है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था जी आपका रेक्टेंगुलर एरे, आप रेक्टेंगुलर एरे कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें आपने क्या क्या काम करने हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा ये लेसन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट लेसन में हम और जो एरे के टाइप्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और यहाँ तक जो जो हमने काम किया है सारे के सारे लेसन को आप बार बार रिपीट करें, बार बार देखें, ताकि आप अच्छी तरह से इस पर काम कर सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।